हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी की क्लास में त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति में हम नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ने वाले हैं संकेंद्रीय सांकवच, जिसमें हम आगे आज हम पढ़ते हैं ध्रुवीय और ध्रुवीय तल, पोल एंड पोलर प्लेन, पोल एंड पोलर प्लेन। तो संकेंद्रीय सांकवच, पोल और पोलर प्लेन। तो सबसे पहले हम समझते हैं पोल क्या होता है। ध्रुवीय नाम सुना होगा कई बार आपने, सीनियर क्लास में भी जूनियर में भी। तो किसी वृत्त है उसका ध्रुवीय क्या होता है, जैसे वृत्त है उसको हम ध्रुवीय निर्देशांक में बदलते हैं, उसके निर्देशांक को भी हम ध्रुवीय आर थीटा में चेंज करते हैं। तो उसी से ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है। तो पोल देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम 2D में समझते हैं पोल क्या होता है। जैसे ये कोई सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल से बाहर हम कोई पॉइंट ले ए, यहाँ पर हम कोई पॉइंट लेते हैं, इस ए बिंदु से इस पर हम कोई छेदक रेखा खींचे जो इसको दो बिंदुओं पर काटे पी और क्यू पर, तो इससे एक छेदक रेखा इसको काटे और इन P और Q से हम कोई जाने वाली स्पर्श रेखा खींचे, जैसे P से ये स्पर्श रेखा है और Q से ये स्पर्श रेखा है, ये एक बिंदु पर टच करेगी, काटेगी। इससे हम दूसरी छेदक रेखा खींचें, जैसे ये P1 है और ये Q1, तो इस पर भी हम कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तीसरी ये है P2 और Q2, इस पर भी हम छेदक रेखा इन दोनों बिंदुओं पर भी हम स्पर्श रेखा खींचें, इस पर भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं P1 और Q1 पर, P1 और Q1 पर भी हम स्पर्श रेखा खींचें, तो ये और थोड़ी बाहर काटेगी, ठीक है ना। यानी जितने भी बिंदु होंगे सब पर स्पर्श रेखा हम खींचते जाएं, सब पर स्पर्श रेखा खींचते जाएं, तो ये स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पर काटती जाएगी आगे। तो मतलब इस प्रकार के बिंदुओं का हमें एक लाइन प्राप्त होगी, जिनको अगर हम मिलाते जाएं तो एक लाइन प्राप्त होगी। ये जो लाइन है वो जो ये छेदक रेखा है उसको एक बिंदु पर काटेगी। मान लीजिए ये छेदक रेखा है, इसको R, ये R1 पर काटेगी, ये R2 पर काटेगी, तो इन छेदक रेखा में जो ये बिंदु है इनमें एक निश्चित नियम होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसमें ये जो बिंदु होता है वो फिक्स है, हमने इस बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची और उन अनंत रेखाओं से जो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई वो एक बिंदु पथ का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये ध्रुवीय लाइन कहलाती है और ये इसको हम कहेंगे पोल, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। ये एक फिक्स बिंदु होता है और अपने पास अब तीन बिंदु है, AP है, AQ है और AR है। तो AP, AQ, AR ये जो बिंदु होते हैं, इसमें R जो बिंदु होता है वो एक निश्चित नियम से होता है और ये एक हार्मोनिक जो प्रोग्रेस होती है उसमें होते हैं, HP में होता है, समांतर श्रेणी का उल्टा हार्मोनिक्स जो सीरीज होती है उसमें होते हैं और ये निश्चित नियम से होते हैं। A/AR है वो 1/AP प्लस 1/AQ के रूप में होते हैं, ठीक है ना। ये हार्मोनिक माध्य होता है इसका 2/R, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AR=2AP.AQ/AP+AQ।
तो इस प्रकार जो R है उसका बिंदुपथ जो होता है वो इसमें A क्या है वो ध्रुव कहलाता है। अब हम समझते हैं इसको अगर हम 3D में लें, एक गोले के रूप में लें, तो गोले में क्या होता है, होता यही है सेम, लेकिन स्फीयर में देखिए ये गोला है और ये बिंदु है, इस बिंदु से इसमें हम कोई छेदक रेखा खींचें A से P तथा Q, ये छेदक रेखा खींची P और Q से हम इस पर स्पर्श रेखा खींचें, P और Q से स्पर्श रेखा खींचें तो ये एक बिंदु पर होगी। इस प्रकार से इससे थोड़ा सा और आगे बिंदु लें, कोई दूसरी छेदक रेखा, उससे नीचे आ जाएगी स्पर्श रेखा, दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिबंध, और तीसरा बिंदु अगर हम और लें P1 और Q1, इसकी स्पर्श रेखा अगर हम खींचें तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, तो इनसे भी एक लाइन बनेगी। तो अब इस लाइन को, इन बिंदुओं को संयुक्त करने वाला एक तल जिसको हम कहेंगे, यानी ये एक तल का निर्माण करता है जिसमें R जो बिंदु होता है वो एकदम इस ध्रुवीय तल, यानी इस जो ये समतल बनेगा, इन बिंदुओं को समंजित करने वाला एक जो तल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे पोलर प्लेन कहते हैं, इसको हम ध्रुवीय तल कहते हैं, ठीक है। और ये इसका बिंदु जिसको हम पोल कहेंगे, ये इसका पोलर प्लेन है, इसके बीच में R होता है, जिसका R का डिसाइड भी हम इसी रूप में करते हैं, AR इक्वल टू AP डॉट AQ AP एंड AQ। इस नियम के अकॉर्डिंग R का जो बिंदुपथ होता है उसी को ही हम ध्रुवीय प्लेन कहते हैं। तो अगले पॉइंट में हम ज्ञात करते हैं पोलर प्लेन है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए ध्रुवीय तल का मान ज्ञात करते हैं, एक बिंदु लेते हैं, बिंदु अल्फा बीटा गामा, ये बिंदु है, इस पर कोई संकेंद्रीय शंकुवज है, शंकुवज AX का स्क्वायर BY स्क्वायर CZ स्क्वायर इक्वल टू 1 पर ध्रुवीय समतल का समीकरण ज्ञात करना। तो एक बिंदु दिया हुआ होगा और इस बिंदु से ध्रुवीय तल का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इस बिंदु, अपने को ये बिंदु दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा, इस बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण हम बनाएंगे, इस बिंदु से जाने वाली माना बिंदु A अल्फा बीटा और गामा, इससे जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो सरल रेखा किस रूप में होती है, x माइनस अल्फा, जिसकी दिक को जय, इस दिक को जय हम LMN, ये इसके दिक अनुपात हम मान लेते हैं इस लाइन के, तो y माइनस बीटा अपॉन m, z माइनस गामा अपॉन n, ये एक सरल रेखा है। और शंकव अपने को दिया हुआ है, जो शंकवज है वो दिया गया है AX का स्क्वायर BY स्क्वायर CZ स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमें शंकवज दिया हुआ है, ठीक है। ये है, इसको प्रतिच्छेद करती है ये, इस ये लाइन है, इस शंकु को प्रतिच्छेद करती है। तो इस लाइन पर हम बिंदु लेते हैं, जो सरल रेखा है, सरल रेखा एक पर बिंदु ले लिया, क्या बिंदु आएंगे, क्योंकि L R प्लस अल्फा M R प्लस बीटा और N R प्लस गामा, ये तीन बिंदु हमें प्राप्त हुए, जो इसको काटता है, यानी ये दो बिंदुओं पर काटता है, तो ये P और Q दोनों का संयुक्त रूप से समीकरण है।
अब ये दोनों ही बिंदु इस गोले के ऊपर या इस शंकु पर स्थित है। ये जो बिंदु है, बिंदु शंकुवज दो पर स्थित हैं, अतः है, मान रख देते हैं दो में एल आर प्लस अल्फा का स्क्वायर बीटा सॉरी बी एम आर प्लस बीटा का स्क्वायर सी एन आर प्लस गामा का स्क्वायर इक्वल टू वन। अब इसको हम सरल करें तो देखिए आर स्क्वायर हमने बाहर ले लिया, कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन लेने से ए एल स्क्वायर हो गया, बी एम स्क्वायर हो गया, सी एन स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का गुणांक है। अब हम टू आर का गुणांक लेते हैं, टू आर का गुणांक क्या आएगा, ए एल अल्फा, ठीक है, ए एल अल्फा एल अल्फा ए एम बीटा बी प्लस बी एम बीटा प्लस सी एन गामा, ये आर के गुणांक आ गए। अब बाकी क्या बच गया, ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर और सी गामा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हमने इस समीकरण को सरल किया है। ये आर में एक द्विघात समीकरण है, अब आर में दो घात की समीकरण है, इसका मतलब आर के कितने मान आएंगे, दो मान आएंगे, क्यों, क्योंकि वैसे भी ये दो बिंदुओं पर काटता है, इसलिए आर के हमें दो मान प्राप्त होंगे। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, अतः है आर के दो मूल प्राप्त होंगे, जिसमें से पहला मूल हम मान लेते हैं एपी जो कि आर वन है, दूसरा एक्यू जिसको हम आर टू मान लेते हैं। तो हमें किसका प्रतिबंध ज्ञात करना है, ए आर का ज्ञात करना है, और ए आर का प्रतिबंध जो होता है, ए आर का जो प्रतिबंध होगा टू एपी डॉट ए क्यू अपॉन ए पी प्लस ए क्यू, तो टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो ये मूलों का गुणा है, ये मूलों का योगफल है। मान रखते हैं द्विघात समीकरण से हम याद करेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो दी गई द्विघात समीकरण में मूलों का योग R1, R2, मूलों का गुणनफल क्या आएगा, मूलों का गुणनफल होता है C बटे A, यानी ये A अल्फा स्क्वायर प्लस B बीटा स्क्वायर प्लस C गामा स्क्वायर माइनस वन अपॉन A L स्क्वायर B M स्क्वायर C N स्क्वायर, ठीक है, और R1 प्लस R2 मूलों का योगफल लें तो माइनस B अपॉन A, तो माइनस का बी का मान टू ए एल अल्फा बी एम बीटा सी एन गामा अपॉन ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आर का बिंदुपथ, आर का बिंदुपथ निकालना है हमें, तो आर के बराबर, आर बराबर टू आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो अतः आर बराबर मान रख देते हैं इसमें इसको डबल करके इसमें इसका भाग देंगे तो ये दोनों का सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बचेगा, ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए एल अल्फा माइनस का बी एम बीटा सी एन गामा, और इसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस को इसके साथ लिख के हम इसको देखो सरल करते हैं। अब ए अल्फा एल आर बी बीटा एम आर सी गामा एन आर प्लस ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर सी गामा स्क्वायर माइनस वन इक्व
इक्वल टू जीरो, ये माइनस इधर लेके इसको इधर ले आए, बराबर में जीरो प्राप्त हो गया। तो अब यहां पर हम R को गायब करेंगे, LMN को गायब करेंगे। तो सबसे पहले देखिए LR, MR और NR का मान रख देते हैं। यहाँ देखिए LR का, MR का, NR का मान हम समीकरण एक से रखेंगे। LR का मान क्या आएगा, x माइनस से अल्फा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक से हम इसमें मान रखेंगे a अल्फा x माइनस अल्फा प्लस b बीटा y माइनस बीटा। यहाँ से एम आर का मान y माइनस बीटा हो जाएगा प्लस सी गामा, एन आर का z माइनस गामा प्लस a अल्फा स्क्वायर b बीटा स्क्वायर c गामा स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। और इसको सरल करेंगे तो a अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a अल्फा x बी बीटा वाई सी गामा जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये जो तल हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, ध्रुवीय समतल हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ध्रुवीय समतल का समीकरण भी देखिए वही आया है जो हमने पिछले वीडियो में स्पर्श समतल का समीकरण याद किया था, सेम ही है। एक्स एक्स वन ए एक्स एक्स वन बी वाई वाई वन सी जेड जेड वन, अगर एक्स वन वाई वन जेड वन बिंदु है तो, और हमने अल्फा बीटा गामा पर लिया है, तो ये याद रखना है इसका सीधा फार्मूला भी, और ज्ञात किया है तो ये तरीका भी याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ध्रुवीय समतल ज्ञात करेंगे। थैंक यू।